भाई ये मेन रोड नहीं है, गली का रास्ता है, इतना जाम है देखो। तो अभी 8:15 बज रहा है और अभी निकल जाएंगे हम और मिजान दोनों मैचिंग। अभी इमाम साहब बयान कर रहे हैं जिनका उन्होंने वादा किया, तो ये बहुत गनीमत वो तुम्हारा साथी चालू हो जाएगा 8:30 बजे का टाइम है, तुम्हारी जबान में है अगर जो उसके नमाज पढ़ने का तरीका। नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है अलविदा जुम्मा, हो सकता है चांद रात हो जाए क्योंकि सऊदी में तो आज ईद हो रहा है। तो यही है बस, आज देखते हैं क्या काम है, ऐसा कि भी हो सकता है कि आज चांद रात हो जाए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, जो भी होगा आप लोग को दिखाते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं अपना वो मेटियोर का कुछ फुटरेस्ट, पहले 2-3 ब्लॉग, 4-5 ब्लॉग पहले दिखाए थे जो पप्पू भाई के पास गए थे, तो मेटोर का फुटरेस्ट का कुछ प्रॉब्लम है, वो लेके जा रहे अभी दिखाने, देखते कि आज भी हो पाता है कि नहीं। तो चलिए लेके चलते हैं। तो अभी आ गए हैं पप्पू भाई के पास, लेकिन अभी पप्पू भाई गए हुए हैं कुछ टायर फिटिंग करवाने रिम में, तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लिए। फिर यहाँ से जाएंगे बॉडी वाला का पास, वो फुटरेस्ट का प्रॉब्लम है तो उसको दिखाना है। तो अभी कुछ काम नहीं है तो इंतज़ार ही कर सकते हैं, तो चलिए इंतज़ार करते हैं। दूसरा चीज़ भाई, आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, गर्मी उतना है ही नहीं, हवा चल रहा है, पूरा स्काई क्लाउडी हो गया, तो ये एक अच्छा बात हो गई है। बाबू लोहार उठा उठा उसको उठा, कंधे में रख। अरे देखिए बाबू लोहार, अरे वाह झकास। अभी आए थे यहाँ दिलूदा के पास, वो दिलूदा चला रहे है गाड़ी और फुटरेस्ट में ये हम्बर से मार के ठीक किए, अभी बता देखते क्या बोलते हो। हैंडल बैक आ जाना, अभी देखिए जी बोलते ना बैका नहीं बोल, हाँ 4-5 बार लोग एक हो रहे बोले बैका नहीं की कोता पे। तो भाई अभी शाम का 6:15 बज रहा है, अफ्तार के लिए बैठे हुए हैं और गए थे पप्पू के पास, वो तो फुटरेस्ट को सीधा कर दिया दिलूदा ने जो बॉडी मिस्त्री है, लेकिन वो बोल रहे कि हैंडल भी टेढ़ा है। और इससे पहले भी मैं सर्विस सेंटर में फर्स्ट सर्विस में कितना बार बोल चुका हूँ कि वो हैंडल टेढ़ा है, हल्का स्लाइड टेढ़ा है। तो लोग जितना भी बार जाओ वही एक ही बात है कि हैंडल सीधा है। अब क्या करें क्या करें। फिर हम गए थे सर्विस सेंटर, अभी उतना शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में था सब। अभी अफ्तारी का वक्त भी हो रहा था, सर्विस सेंटर 4:15 पहुँचे, वो लोग का भी जाने का टाइम था तो वो नहीं कर पाए। तो वो एक इशू रहेगी, अब देखते कि वो मंडे को रिजॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा हैंडल का। और अभी अफ्तार के लिए बैठे हुए हैं, 29 रोज़ा है आज और इंशाल्लाह आज शायद चांद रात है यार, कल ईद हो सकता है। तो बस यही है, बैठ के अभी अफ्तार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अफ्तार के लिए इंतज़ार, अजान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं अफ्तार में बैठे हुए हैं। बस ये अफ्तार लग चुका है, खाली फ्राइड वाला सामान, ज़्यादा कुछ नहीं है आज, दाल बड़ा ही है ना मिजान, और आलू बड़ा। मिजान को आलू बड़ा पसंद है ना? नहीं पसंद, तुमको बोला उस दिन पसंद है। अभी नहीं, मिनट मिनट में पसंद चेंज होते रहता है इसका। तो अभी यही है, ये बस अफ्तार करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आज तो चांद रात अगर हो गया तो फिर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो भाई 29वां रोज़ा का अफ्तारी कर लेते हैं, चलिए। देखिए अपना पूरा मोहल्ला पूरा पीछे सजा हुआ है, लाइट लगा हुआ पूरा। अभी निकल रहे, थोड़ा सा काम था जो बच जाता है वही वाला काम है, मुझे चप्पल लेना था वो कल गए थे तो नहीं मिला था, आज जाके देख रहे कि अगर मिलता है तो जाके वो ले लेंगे। भाई ये मेन रोड नहीं है, गली का रास्ता है, इतना जाम है देखो, पूरा जाम है इतना भाई, अभी कोई भी गली में निकलना मुश्किल हो गया। ये वाला चप्पल हम कल देख के गया था लेकिन इसका साइज नहीं था तो ये ले ले रहे। देखिए मार दिए, मार दीजिए ना, अंदर में भी मार दीजिए ना, इसमें लगा हुआ था, चट चट कर रहा पूरा। आते चाचा
यहाँ पर ही सारा बेल्ट वेल्ट सब लेदर का सब सामान ही मिलता है, मतलब एरिया के अंदर है, दुकान छोटा मोटा दुकान है, तो वहीं से ले लिए, अच्छा लगा तो देख के ले लिए। मार्केट से हम लोग बहुत थोड़ा देरी हुआ घर आए, खाना वाना खाए, आज है चांद रात, तो सबको चांद रात ईद का चांद मुबारक, और कल है ईद, तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल, तो कल आप लोग से सुबह में मिलते हैं नमाज के वक्त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आज है ईद का दिन, अभी निकल रहे हैं हम लोग नमाज के लिए रेड रोड में, तो 8:30 बजे जमा थे वहाँ, तो अभी पौने आठ बज रहा है और अभी निकल जाएंगे हम और मिज़ान, दोनों मैचिंग। मिज़ान बैठा हुआ है, अभी नींद से उठा ना, थोड़ा सा नींद टूटने में उसको टाइम लगेगा, तो अभी ना जल्दी है निकलते हैं यहाँ से नमाज के लिए रेड रोड की तरफ। पहुंच गए रेड रोड और नमाज का अब जगह देखने जा रहे हैं कहाँ बैठ सकेंगे, धूप भी अच्छा खासा धूप है, अभी खुतबा हो रहा है, उधर चलो। ईद तो यहाँ पर ही कलकत्ता का सबसे बड़ा ईद का नमाज रेड रोड में होगा, 2022 से चालू। ये देखिए अब मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ और खुतबा चालू है। ईद-उल-मुबारक ईद-उल-मुबारक ईद सईद आई खुशियों के ढेर लाई, ईद सईद आई खुशियों के ढेर लाई, ईद-उल-मुबारक 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 ईद सईद आई खुशियों के ढेर लाई, ईद सईद आई खुशियों के ढेर लाई, ईद-उल-मुबारक 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 अगरचे उसके नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, कोई सीने पे हाथ बांधता है, कोई नाक के नीचे हाथ बांधता है, कोई हाथ बांधता ही नहीं। फितर की नमाज मालिकिया हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हर साल, कोशिश करते हैं कि नहीं पढ़े, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते, ये लोग हाथ नहीं बांधते, शिया भी हाथ नहीं बांधते, मालिकिया नमाज का वक्त मदरसे वाले ही कर सकते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने वो हिम्मत वो हौसला और वो ताकत दी है, आज भी यहाँ पर ही नमाज पढ़ने का एक अलग ही मजा है भाई, अलग ही क्रेज, अलग ही खुशी है, बच्चे बोलो बड़े बोलो बूढ़े बोलो सब आ जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा है, हम लोग तो फिर भी छांव में है, वहाँ धूप में बैठे हुए हैं, काफी धूप है वहाँ, काफी गर्मी है, ये मोहब्बत है सब, जहाँ तक देख सकेगा पूरा रेड रोड पूरा भरा हुआ, पूरा रेड रोड पूरा, न पैसा मिलेगा और न ये मदरसा चलेगा, ये साजिश है दुनिया की, इसको समझो। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे यहाँ जो निजाम मदारिस का चल रहा है, आप उसको बाकी रखें, आप जो उसमें देते हैं देते रहें। निजाम ये है, ये ईद की नमाज आसिफ है, साल में एक दफा दो दफा पढ़ी जाती है, लोगों को अक्सर इसमें मुगालता हो जाता है, ईद के बाद ईद का नमाज हो गया कम्प्लीट, दुआ हो रहा है, दुआ कर रही है भाई, दुआ भी हो गया, अब खुतबा चालू है, खुतबा सुन के फिर यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले सबसे गला मिलेंगे। ईद-उल-मुबारक
عید سعید آئی خوشیوں کے ڈھیر لائی عید سعید آئی خوشیوں کے ڈھیر لائی عید المبارک 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 عید سعید آئی خوشیوں کے ڈھیر لائی عید سعید آئی خوشیوں کے ڈھیر لائی عید المبارک عید المبارک अभी इतना भीड़ से भी बाइक लेके जाना भी एक टास्क होता है। तो देख रहे हैं कितना भीड़ है। हम लोग बाइक इधर लगाए थे अपना, यहाँ से ले लेंगे। नमाज पढ़ने के बाद जो सोए थे उसके बाद खाना पीना खाए, फिर सो गए और उसके बाद अभी बज रहा है 10, तो अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं कहीं बाहर से घूम घाम के चक्कर मार के आते हैं। और मिज़ान मेरे साथ गाड़ी में है, तो मिज़ान का ही डिमांड है समझ लीजिए। यहाँ गर्मी से तो हालत ख़राब है भाई, तो चलिए चलते हैं बाहर निकलते पहले। तो भाई अभी हम लोग आए हैं सेंट्रल मॉल के सामने में। यहाँ पर ही थोड़ा सा पार्क वार्क बना हुआ बच्चे लोग का, मैदान को लेके आए हैं। पार्क क्या, फुल्ली कुछ पार्क नहीं है ऐसे कुछ। ये भी रास्ता था, देखिए ये रास्ता था, बगल वाला भी पीछे रास्ता था, उसको कुछ डेकोरेशन करके कुछ झूला वूला लगा दिया। और यहाँ पे आपका फूड कार्ट है, यहाँ फूड कार्ट लगा हुआ है, देखिए पूरे यहाँ लाइन से फूड कार्ट लगा हुआ है। सेंट्रल मॉल वो बंद हो गया, यहाँ सब बच्चे लोग आदमी लोग चिल कर रहे हैं, हवा भी चल रहा है। यहाँ पर मैदान है, वहाँ वैसे सब कोई लेके खेल रहा है। मैदान तो खुश हो गया ना, मैदान तो खुश हो गया ना आके। फल खा लो, फल फल खा लो। ये सब लाइन से फूड कार्ट आपको मिल जाएगा। और आज ईद है बोल के थोड़ा यार भीड़ भी है, ऐसा भीड़ रहता उतना नहीं रहता, लेकिन आज ईद है बोल के तो सब कोई आए हुए हैं। फिर से यहाँ मिजान और सी सॉ में खड़ा हो गया, एक खड़ा हो गया नहीं बैठ गया। मिजान तुम क्या करा, ये उड़ गया, वो उड़ जाएगा पूरा, वो उड़ जाएगा वो पूरा। यहाँ पर ही सब अभी गंभीर डिस्कशन चल रहा है कि आइसक्रीम कौन सा लिया जाए। ओएस बोल रहा है कि हम कैंडी वाला ऑरेंज खाएंगे, बाकी सब कोई बोल रहा है कि हम लोग सब कॉर्नेटो खाएंगे या फीस्ट खाएंगे या चॉकलेट खाएंगे। ओएस बोल रहा है कि हम ऑरेंज कैंडी खाएंगे, हमको अच्छा लगता है। नोमान को देखो कैंडी प्लस खा रहा है, बिंदास। नोमान अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलेगा। हम लोग सिर्फ नोवोटेल के सामने ही खड़े होंगे। मिजान क्या लिया? हम कुल्फी उल्फी होगा, कुछ भी चलेगा, कुल्फी रबड़ी। ए फिश ले रहा है नो, ये ओएस कैंडी कैंडी ऑरेंज कैंडी ना, हाँ हाँ ऑरेंज कैंडी। सब कोई कॉर्नेटो लिया है और ओएस लिया है ऑरेंज कैंडी, हाँ हाँ। ये रोज कुल्फी और ओएस खा रहा है ऑरेंज कैंडी।
हाँ हाँ ऑरेंज कैंडी खा रहा है, ऑरेंज कैंडी है ये वाला। तो भाई यहाँ पर ही थोड़ा हम लोग खेले धूले, मतलब निदान खेला है। हाँ। हम लोग धूले हैं और हम गिरे भी हैं। गिरे भी हैं, आइसक्रीम भी खाए हैं, फ्रेंच फ्राइज भी खाए हैं, सब कुछ हो गया। टाइम काफ़ी हो गया है, 11:20 हो रहा है, घर जाना है। तो अभी घर जाते हैं, जाके खाना वाना खाते हैं। चलिए गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से।